पूरा आइस पैच है, बहुत दिक्कत हो रहा है, खतरनाक चैलेंजिंग। ये देखिए कौन सा रोड है भाई, किधर है रोड, ये देखिए -8 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। अपन लोग गुडोंगमर लेक पहुँचने वाले, 2 किलोमीटर अब इसी रास्ता से चलना पड़ेगा। फाइनली आई मेड इट टू गुडोंगमर। 2 से 3 बार नॉर्थ सिक्किम आने के बाद गुडोंगमर को मैंने कर दिया। हेलो ऑल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज 23rd of December 2022 और आज हम लोग लाचेन से गुरुडोंगमर काला पत्थर सब विजिट करेंगे, सबका ब्लॉग बनेगा। इससे पहले अगर मेरा ब्लॉग नहीं देखा आप लोगों ने तो देख लो, हम लोग कैसे कोलकाता से गैंगटॉक आए, गैंगटॉक से फिर लाचेन आए, लाचेन के मार्केटों में एक्सप्लोर किए और यहाँ के विलेज वगैरह में, यहाँ के कॉलोनीज में, और उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, उसने चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज रहे 6, जल्दी से निकलना, लेट हो चुके हैं, 5:30 बजे निकलना। तो नीचे जा रहे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद तुरंत निकलेंगे हम लोग गुरुडोंगमर की तरफ। रास्ते में पूरा एंजॉयमेंट होगा, थंगू वैली वगैरह में स्नो भी मिल सकता है रास्ते में, तो देखते रहिए। सो हम लोगों को ब्रेकफास्ट में मिला ये कॉफी और फिर इसके बाद ये मैगी, ये सब इंक्लूडेड था। तो निकलते हैं, यहां से व्यू दिखाता हूं आपको, ये हल्का हल्का स्नो दिख रहा होगा ऊपर पहाड़ी की चोटियों का व्यू, उधर ही जाएंगे। तो चलिए फटाक से निकलते हैं। M-6:42 ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, पूरा पैक हो चुके हैं, बहुत ठंडा, 2-3 डिग्री सेल्सियस और 8 कपड़ा पहना हुआ हूँ मैं। फटाक से निकलते हैं गुडोंगमर की तरफ, रास्ते में भी दिखाएंगे सारा सिनेरियो। तो हम लोग अभी थंगू वैली में रुके हुए हैं, यहाँ पे -1 टेम्परेचर है, पीछे धूप खिली हुई है लेकिन इधर धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, कोई कपड़ा काम नहीं आ रहा है, मुझे पहले से पता था, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट है, इससे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट डोसा पॉइंट नहीं है, मैं वो दिखाता हूँ। और थंगू वैली में हम लोग चेक पोस्ट पर रुके हैं चेक पोस्ट कराने के लिए, फिर यहाँ से निकलेंगे। पहले ये देख लीजिए आप लोग, गुरुडोंगमर से अभी भी 14 से 15 किलोमीटर बाकी है। थंगू वैली से स्टार्ट किया था, कोई रोड नहीं है, रोड बना भी नहीं है। थंगू वैली से 30 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं बना हुआ है, पूरा आइस पैच है, बहुत दिक्कत हो रहा है, खतरनाक चैलेंजिंग, वन ऑफ द टफेस्ट राइड है मेरा लाइफ का। जबकि मैं यह 2-3 बार आ चुका हूँ लेकिन अभी का मौसम में टफेस्ट राइड है। स्पीति गया, हिमाचल गया, वहाँ कुछ नहीं है, रोड इतना अच्छा है। यहाँ देखिए, दिखाता हूँ आपको, रोड तो है ही नहीं और ब्लैक आइस जमा हुआ है, क्या बताऊँ। देखिए ये देखिए कौन सा रोड है भाई, किधर है रोड, ये देखिए पूरा ब्लैक आइस जमा हुआ है, पूरा -5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस पूरा ब्लैक आइस जमा हुआ है, रोड भी नहीं है जाने का, बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन गुरुडोंगमर आज हम लोग फतेह करके रहेंगे, चलिए चलते हैं। तो हम लोग लास्ट चेक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर और ये लास्ट चेक पॉइंट है। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज टॉयलेट भी आप लोग कर सकते हो, पूरा बर्फ से जम चुका है, -8 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे और खतरनाक लग रहा है, क्या हवा चल रहा है। कल पूरा स्नोफॉल होने वाला, लास्ट आज गुरुडोंगमर खुला हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे ठंडा हो चुका है। आगे का व्यू दिखाता हूँ, सारा पानी जम चुका है, ये देखिए ये कोई पानी नहीं है, ये पूरा पानी जम चुका है, पूरा उधर भरा पड़ा है। आगे गुरुडोंगमर जाना है खाली, तो फटाक से निकलता, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत दिक्कत हो रहा है सबको। अपन लोग गुडोंगमर लेक पहुंचने वाले, 2 किलोमीटर अब इसी रास्ता से चलना पड़ेगा। पहले तो मिनी लद्दाख वाले रास्ते से चल लिए थे जो कि बहुत अच्छा था, पिछला 10 किलोमीटर। ये रहा गुडोंगमर लेक इस साइड, अब चैलेंजिंग होगा थोड़ा, चैलेंजिंग तो पहले भी था, ये रोड तो अच्छा था 10 किलोमीटर तक। अब चलते हैं इधर। वो फाइनली आई मेड इट टू गुडोंगमर। 2 से 3 बार नॉर्थ सिक्किम आने के बाद गुडोंगमर को मैंने कर दिया। चैलेंजिंग था क्योंकि अगर आपके पीछे लेडीज बैठी हो, लड़की बैठी हो तो चैलेंजिंग होता ही है। फाइनली गुडोंगमर कर दिया, टाइम हो रहा है 10:30-11 बजे के करीब है पहुंचने को, सुबह निकले थे 6:30 बजे, तो देख लो कितना टाइम लगता है। आप लोग को अब लेक का दर्शन कराते हैं, वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे ये लेक है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट पे लेक है, इससे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे लेक कोई है नहीं, तो एक रिकॉर्ड है ये, तो इसका एंजॉयमेंट लीजिए, आप लोग को दिखाता हूँ मैं। ये रहा, एक खासियत आता है वहाँ पे, वो कभी नहीं जमता क्योंकि वहाँ गुरु नानक जी ने नहाया था, तो वो कभी नहीं जमता है कितना भी ठंडा हो जाए। बाकी पूरा लेक जम चुका है और कल स्नोफॉल होने वाला है, तो कल के बाद तो गुरुडोंगमर पूरा बंद हो जाएगा। सो ये लास्ट गुरुडोंगमर आज ही खुला हुआ था, लोग नीचे गए हुए हैं, कुछ लोगों को सांसों की दिक्कत हो रही है, जिनको थोड़ा बहुत कोई चीज़ की बीमारी है, दिक्कत हो रही है, लोग नीचे गए हुए हैं, फोटो वगैरह रील्स वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। और मेरे ख्याल से ये लास्ट दिन हो सकता है गुरुडोंगमर का, कल से बंद होने वाला है। तो ये सारे बाइकर्स इधर भी है, अपनी बाइक लगी हुई है, उधर के बर्फ बर्फीले पहाड़ चलते हुए, उधर चाइना है, चलो लड़के आते हैं क्या।
एंजॉयमेंट लो, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है गुरु लोंगमर्ग का, अल्टीमेट। अब कितना भी लाचेन, लाचुंग, युमथांग, स्पीति, लाहौल, कहीं भी चल जाओ, गुरु लोंगमर्ग का एक अल्टीमेट अलग एक्सपीरियंस है। आधा देर यहाँ पे रुकना मना है, आधा घंटा, 15 मिनट से ज़्यादा देर, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते क्योंकि सांस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो फटाक से अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं काला पत्थर जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्नो है। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं। तो आप पीछे देखेंगे, ये गुरुडोंगर जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, इसमें से कोई एक दो ही रास्ता ज़्यादा सही रहेगा, बाकी सब रफ पैची है। तो देख के आप टैक्सी वाले सबसे पूछ लो, उन लोग को पता रहता है, फॉलो कर लिए वही रास्ता, क्योंकि बहुत सारा रास्ता रहता है, कोई गलत रास्ता पकड़ लोगे तो अच्छे से चढ़ नहीं पाओगे, तो ये सब ध्यान में रखकर। ये देख रहे हो रास्ता जनाब, कौन सा रास्ता है, ब्लैक आइस पूरा बना हुआ है, कोई रास्ता ही नहीं, यही रास्ता मिलेगा गुरुडोंगर जाने में, हालत ख़राब हो जाएगा। ब्लैक आइस, वाटरफॉल, क्या क्या है पता नहीं, कोई रोड ही नहीं है, चलते बनो और क्या। ये आते टाइम थंगू वैली में ये एक छोटा सा वॉशरूम है, ये देखिए जम चुका है, मैं सोचा दिखा दूं आप लोग को। तो गुरुडोंगमर से लाचेन 2:30 बजे आ गए थे, लंच दिखाते हैं आपको क्या कर रहे हैं अभी, लंच वो लोग दिए, लंच इंक्लूडेड था पैकेज में, लंच दिखाते हैं और ब्लॉग को उसके बाद वहीं पे एंड कर देंगे। मिलते ही मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में, पहले आप लंच देख लीजिए क्या कर रहे हैं, ब्लॉग को यहीं पर फिर एंड कर देंगे। सो ये रहा लंच जो कि पैकेज में इंक्लूडेड है, गुरुडोंगमर से वापस आएंगे लाचेन तो उस समय करते हैं, तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। न्यू जो ब्लॉग आएगा इसके बाद वो होगा लाचेन टू लाचुंग, छोटा सा ब्लॉग होगा, ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, लेकिन बीच में अच्छे वाटरफॉल्स वगैरह, इसलिए मैं सोचा ब्लॉग बना दूं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, जस्ट अभी मैं बना ही रहा हूँ लाचेन टू लाचुंग, तो बने रहिए।